बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में ओम के कुलिये की तजुर्बे के ज़रिए से तस्दीक करेंगे। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आला रखा है, ओम्स लॉ अपैरेटस। इस आले की मदद से हम ओम्स के कुलिये की तस्दीक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे एक सर्क्यूट डायग्राम दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी के कनेक्शंस के लिए दो टर्मिनल्स दिए गए हैं और इसके लिए यहाँ पर वायर भी जोड़ा गया है। और ये बैटरी का जो दूसरा सिरा है वो रियोस्टेट से जोड़ा गया है। यहाँ पर रियोस्टेट्स के रीडिंग्स को चेंज करने के लिए या तो रियोस्टेट की मदद से हम बहने वाले करंट की मकदार को कम या ज़ायद कर सकते हैं। तो रियोस्टेट का दूसरे सिरे को यहाँ पर रजिस्टर से जोड़ा गया है, ये तकरीबन 100 ओम का रजिस्टर है। और इस रजिस्टर के दूसरे सिरे को मिली एमीटर से जोड़ा गया है और मिली एमीटर के दूसरे सिरे को यहाँ पर स्विच से जोड़ा गया है। आप यहाँ पर स्विच देख सकते हैं, यहाँ पर हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं और मिली एमीटर यहाँ पर जोड़ा गया है। और इस रजिस्टर के किनारों के दरमियान मुजमिर फ़र्क को नापने के लिए यहाँ पर ओल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़ा गया है। आप यहाँ पर ओल्ट मीटर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देख लें कि ये मिली एमीटर है, तो मिली एमीटर की जो रीडिंग्स है वो 0 to 30 है। तो ये 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है, इसीलिए यहाँ पर ओल्ट मीटर है 0 to 3 volt तक यहाँ पर हम इसकी पैमाइज कर सकते हैं, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 volt तक हम इसकी पैमाइज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पर इसका मुतालिया शुरू करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर इस अपैरेटस को ऑन करता हूँ, ये लो ऑन हो गया। और रियोस्टेट की मदद से इस रजिस्टर के अंदर बहने वाले करंट की मकदार को मैं बढ़ाऊंगा। तो जैसा करंट की मकदार बढ़ जाएगी तो इसके अतराफ जो तफाइले बिलखोत या तो मुजमिर का जो फ़र्क है उसमें भी इजाफा होगा। अगर मुजमिर के फ़र्क में इजाफा हुआ तो बहने वाले करंट में भी इजाफा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बहने वाले करंट की मकदार बढ़ा रहा हूँ। तो ये तकरीबन हो गई 5 मिली एम्पियर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 5 मिली एम्पियर है और ओल्ट मीटर की रीडिंग तकरीबन 0.5 वोल्ट है, ठीक है। इसे हम जदोल में या टेबुलर कॉलम में दर्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं और करंट की मकदार को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बढ़ाकर इसकी मकदार 10 मिली एम्पियर कर दी है। तो ये 10 मिली एम्पियर और तकरीबन ये 1 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट। यहाँ पर फिर मैंने करंट की मकदार बढ़ाई, लीजिए अब ये करंट की मकदार हो गई 15 मिली एम्पियर और वोल्ट जो है वो 1.5 वोल्ट को दिखा रहा है। फिर मैंने करंट की मकदार को यहाँ पर बढ़ाकर 20 की है, तो ये करीब 2 वोल्ट को यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस अपैरेटस को बंद करेंगे और जो भी हमने रीडिंग्स ली है उसे हम जदोल में या टेबुलर कॉलम में भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखी है, इसे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 0.5 वोल्ट, करंट 5 मिली एम्पियर था, ये 5 × 10⁻³ एम्पियर में तब्दील किया गया है। इसी तरह रीडिंग, सेकेंड रीडिंग 1 वोल्ट, करंट 10 मिली एम्पियर था। इसी तरह थर्ड रीडिंग में करंट 1.5 वोल्ट, करंट 15 मिली एम्पियर था। फोर्थ रीडिंग में करंट 2 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग 20 मिली एम्पियर थी। अब यहाँ पर हमें वी बाय आई को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने दूसरे एक कागज़ में इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने रीडिंग मिली एम्पियर में ली है बट हमें जो करंट की मकदार चाहिए वो एम्पियर में चाहिए। तो बच्चों, 1 मिली एम्पियर बराबर जो है ये 1/1000 एम्पियर, कहने का मतलब यह है कि 1000 मिली एम्पियर का 1 एम्पियर होता है, इसलिए 1 मिली एम्पियर बराबर ये एम्पियर का 1000वां हिस्सा है। तो ये 1/1000 एम्पियर हो गया और चूंकि 1000 में 3 सिफर हैं इसलिए मैंने इसको 10³ की शक्ल में लिखा है। अगर ये 10³ को मैं अगर शुमार कुनंदा में ले जाऊँ
न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये मनफी माइनस में तब्दील होगा, 10 की कुवत नफी 3। तो यहाँ पर 5 मिली एम्पेयर है, तो जब उसे एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 की कुवत 3 से इसे ज़रब देना होगा। तो 5 मिली एम्पेयर बराबर 5 × 10⁻³ एम्पेयर है, वी बराबर 0.5 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस में देखेंगे, इसे हम R1 अगर तसव्वुर करें तो R1 बराबर V बाय I है। तो चूंकि V 0.5 वोल्ट है तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³। अगर ये -3 को अगर मैं न्यूमरेटर में या शुमार गुणनंदा में ले जाऊं तो 0.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5। चूंकि ये 0.5 है, एक घर के बाद में आश्चर्य है और यहाँ पर 10 की कुव्वत 3 है, इसीलिए ये 500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे 100 ओम हासिल होगा। इसी तरह दूसरे रीडिंग में हमने देखा है कि 10 मिली एम्पियर करंट था, 10 मिली एम्पियर बराबर 10 × 10⁻³ और वोल्ट 1 वोल्ट था। R2 बराबर V बाय I, यहाँ पर V के जगह पर मैंने 1 और I के जगह 10 की कुव्वत 10 ज़रब 10 की कुव्वत नफी 3 भरी है। तो ये 10 की कुव्वत नफी 3 जब ऊपर चला जाएगा तो 10 की कुव्वत 3 डिवाइडेड बाय 10, 10 की कुव्वत 3 मतलब 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 10 100 ओम। अगेन तीसरी रीडिंग थी 15 मिली एम। इसी तरह V बाय I इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻³। ये -3 को आप ऊपर ले लो, 1.5 × 3 डिवाइडेड बाय 15, तो 1.5 × 10⁻³ ये 1500 हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 15, अगेन ये 100 ओम आएगा। इसी तरह चौथी रीडिंग हमने ली थी 20 मिली एम्पियर, सेम 20 × 10⁻³ V इक्वल टू 2, V बाय I इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³। फिर ये इसी तरह 2000 डिवाइडेड बाय 20 बराबर 100। जब इसका हमें औसत निकालना है, क्योंकि हमने चार रीडिंग्स ली, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4, इसीलिए 100 100 100 100 चार मरतबा डिवाइडेड बाय 4, तो 400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये एवरेज औसतन 100 ओम हमें हासिल हुआ, जो कि हर केस में मुस्तकिल है, जो कि एक मुस्तकिल है। इसीलिए हर केस में R इक्वल टू V बाय I है, और ये V बाय I जो R को दिखा रहा है ये एक मुस्तकिल अदद है। इसी को हम टेबल में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने दर्ज किया है R1, R2, R3, R4 और इसका एवरेज भी 100 है। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि तार में बहने वाली बरखीरो इसके सिरों के मुजमिर फ़र्क के साथ सीधे तनासब में होती है। तो जब बरखीरों की मकदार बढ़ गई तो मुजमिर फ़र्क में भी इजाफा हो गया। अगर इसकी अगर हम तनासब में लें, V बाय I की अगर मकदार को अगर हम लें, तो जो कि R को बताता है, रजिस्टेंस को बताता है, और ये मुस्तकिल होगा, 100 ओम हमें हासिल हुआ है, यह मुस्तकिल होगा, बशर्ते के उस मौसिल का, उस रजिस्टर का दर्जा हरारत ना बदले, यह मुस्तकिल रहे। शुक्रिया।